हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, वीडियो एग्जाम, एसएससी एग्जाम या अन्य एग्जाम जो कि 2018 में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन रिलेटेड होगा राहुल द्रविड़ से रिलेटेड और एक क्वेश्चन होगा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड और एक क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नवंबर 2018 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के साथ पर्यटन तथा परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा रूस, और रूस की राजधानी है मॉस्को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को रूस के साथ 5 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए समझौते ज्ञापन MOU तथा एक सहयोग ज्ञापन MOC की जानकारी दी गई और यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। आपको याद कर लेना है रूस के साथ हुआ है ये समझौता। अगला क्वेश्चन है, किस बल्लेबाज ने डिसमिसल के मामले में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मार्क बाउचर को पछाड़ करके वनडे इतिहास में तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर बन गए हैं, और ये भी जल्दी में हुआ है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो भारत की सीरीज़ हो रही थी जिसको भारत ने 3-1 से जीत लिया है उसमें ये हुआ है, और ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और आपको ये भी याद रख लेना है कि मार्क बाउचर जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, साउथ अफ्रीका के, अभी रिटायर हो चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी सर्वाधिक डिसमिसल के मामले में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मार्क बाउचर को पछाड़ करके वनडे इतिहास में तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह भारत में विकसित देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये देश का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये अपने देश में निर्मित हुआ है और इसका नाम भी आपको याद कर लेना, नाम है शक्ति, ठीक है, और इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह भारत में विकसित देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम शक्ति है ये बनाया है, जिसे मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम, रक्षा, परमाणु क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के नवनिर्मित झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगुड़ा करने का फैसला लिया है। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, और इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। केंद्रीय कैबिनेट ने उड़ीसा के नवनिर्मित झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगुड़ा करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि वीर सुरेंद्र साई स्वतंत्रता सेनानी थे, ये याद रख लीजिएगा कि ये कौन थे, तो ये थे वीर सुरेंद्र साई, क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा 1 नवंबर 2018 को तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 5वें मैच के दौरान वनडे इतिहास में सबसे तेज कितने छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये है 200। और याद रखिएगा जो ये तिरुवनंतपुरम में जो वेस्टइंडीज़ के साथ जो खिलाफ सीरीज़ हुई है उसको भारत ने 3-1 से जीत लिया था। 5 मैचों की सीरीज़ थी जिसमें से 3 भारत ने जीता है, 1 वेस्टइंडीज़ ने जीता और 1 ड्रॉ हो गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 200 छक्के। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। रोहित शर्मा 1 नवंबर 2018 को तिरुवनंतपुरम में टेस्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5वें मैच के दौरान वनडे इतिहास में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने विंडीज़ के खिलाफ 5वें और अंतिम वनडे में नाबाद 63 रनों की पारी में 4 छक्के लगाने के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। और याद रखिएगा वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन का नाम है जेसन होल्डर, वनडे की बात कर रही हूँ मैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये रोहित शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 30 नवंबर 2018 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया, तो ये है भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। भारत ने 30 नवंबर 2018 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित अग्नि 1 का बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया। सामरिक बल कमान ने
अभियान तैयारियों को मजबूत करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसका परीक्षण हुआ था, तो ये हुआ था अब्दुल कलाम द्वीप में यह मिसाइल का परीक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और किस देश के साथ समझौते को स्वीकृति दे दी है। बहुत ही न्यूज़ में है, तो ये है मोरक्को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी किसी भी एग्जाम में, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को 1 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। देखिए, अभी तक टोटल 5 इंडियन प्लेयर्स को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और ये जो अभी शामिल किया गया ये 5वें भारतीय क्रिकेटर हैं, और ये हैं राहुल द्रविड़। इनकी पिक्चर मैंने थंबनेल में भी लगाई थी, आपको देखा ही होगा आप लोगों ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, और ये भी याद रखिएगा कि टोटल 5 भारतीय खिलाड़ियों को अभी तक हॉल ऑफ फेम में से अवार्ड से नवाजा गया है, और 5वें कौन है, 5वें हैं राहुल द्रविड़। ये जो आप देख रहे हैं ये राहुल द्रविड़ जी की पिक है, और ये हैं सुनील गावस्कर जी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को 1 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। द्रविड़ को हॉल ऑफ फेम कैप सुनील गावस्कर द्वारा प्रदान की गई। ये देख रहे हैं आप, इन्हीं के द्वारा कैप प्रदान किया गया। क्वेश्चन को याद रखिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन किस शहर में हुआ। देखिए, क्योंकि ये भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस वार्ता को अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया। फिलहाल आपको नाम याद कर लेना है, भारत और अमेरिका के बीच जो हुई है पहली बौद्धिक संपदा पर वार्ता, वो हुई है नई दिल्ली में। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ही चर्चा में है, भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने हासिल किया, और क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2018 में जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, भारत की रैंक है 77। देखिए, याद रखिए कि भारत की रैंक थी 100वीं। कल की वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो भारत की रैंक थी 100वीं। भारत ने 23 रैंक की छलांग लगा करके अब भारत की रैंक इम्प्रूव हो गई है, और वो हो गई है 77, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की ज़बरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है। विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की। भारत का यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि यह भारत का ये सब अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हिंदी में इसको बोलेंगे वैश्विक कारोबार सुगमता, इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के 3 नवंबर 2018 के लिए, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।